हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे एंड मजे में होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉन्डई के एक माइक्रो एसयूवी प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हॉन्डई ने 2023 में लॉन्च किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं हॉन्डई एक्स्ट्रा के। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किन लोगों को ये कार कंसिडर करनी चाहिए और किन लोगों को इस कार को अवॉइड करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो में बने रहना और वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं इसको आपको ऐसे कई पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस कार की तरफ जाना चाहिए या नहीं। गाइस, बात करें रिक्वायरमेंट नंबर वन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट भी हमारी लिस्ट में, वो है कार का इंजन। अगर आप ऐसा इंजन चाहते हो जो काफ़ी रिलायबल हो, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सको और आप चाहते हो 10-15 साल अपनी कार को चलाना इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, तो उस केस में आप हॉन्डई एक्स्ट्रा को कंसिडर कर सकते हो। 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ ये कार आती है। 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन आपको इसमें मिलता है, जो कि 81 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो पावर के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, सफिशिएंट पावर इसका इंजन प्रोड्यूस करके आपको देगा। सिटी में आपको इस कार को चलाने में बहुत मजा आएगा, हाईवेज में भी कार अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर आप ऐसी कार चाहते हो जो आपको इंजन वाइज टेंशन फ्री दे दे अगले 10-15 साल के लिए, तो उस केस में आप इस कार को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप चाहते हो अपनी कार में फीचर्स इस कार में भर के आते हैं यार, भर के फीचर्स आपको किस कार में मिलेंगे। सारे नए एडवांस फीचर्स आपको इस कार में मिलते हैं, जैसे कि TPMS आपको इस कार में मिल जाएगा, आपको डैश कैम जो कि फर्स्ट इन अ सेगमेंट इस कार में आया था वो आपको इस कार में मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, फीचर लोडेड कार है ये। तो अगर आपको फीचर्स अपनी कार में पसंद है तो उस केस में भी आप इस कार को कंसिडर कर सकते हो, फीचर लोडेड ये कार आती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप चाहते हो ऐसी कार, आप अभी तक की जितनी भी कार्स के डिज़ाइन से आप थक गए हो, आपको चाहिए एक अच्छी गुड लुकिंग कार डिज़ाइन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी, तो उस केस में भी आप हॉन्डई एक्स्ट्रा को कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी लुक वाइज कार ही काफ़ी अच्छी लगती है, डिज़ाइन वाइज भी हॉन्डई ने इसको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है। मैं बात एक्सटीरियर डिज़ाइन की कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक्सटीरियर डिज़ाइन भी अगर आप इस कार का देखोगे तो काफ़ी अच्छी गुड लुकिंग कार ये लगती है। एंड इस सेगमेंट में एक अच्छे डिज़ाइन के साथ ये कार आती है। तो अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो लुक वाइज भी अच्छी देखने में लगे, तो डेफिनेटली आप इस कार की तरफ जा सकते हो। लुक वाइज भी ये कार काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप चाहते हो ऐसी कार जो आपको एक अच्छा माइलेज फिगर निकाल के दे, आपको एक माइलेज ओरिएंटेड कार चाहिए, तो उस केस पे भी आप हॉन्डई एक्स्ट्रा को कंसिडर कर सकते हो। इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल के ये कार देती है, कंपेयर करें बाकी कार से तो काफ़ी अच्छा माइलेज आपको इस कार में मिलेगा। सिटी में भी ये आपको अराउंड 14-15 के आसपास माइलेज निकाल के देती है विद अ गुड ट्रैफिक कंडीशन। एंड इसके अलावा हाईवेज में भी ये कार आपको 20 अराउंड के आसपास का माइलेज निकाल के दे देगी। तो अगर आपको एक माइलेज ओरिएंटेड कार चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी कार से आपको अच्छा माइलेज मिले, तो उस केस में भी आप हॉन्डई एक्स्ट्रा की तरफ जा सकते हो। इसका इंजन तो रिफाइन है ही, साथ में आपको ये अच्छा माइलेज भी निकाल के देती है। सो गाइस, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो जिसको खरीदने के बाद भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, मेरा मतलब है आफ्टर सेल सर्विसेज से, अगर आपको चाहिए एक ऐसी कार जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी हो, तो उस केस में भी आप हॉन्डई की तरफ जा सकते हो। हॉन्डई एक्स्ट्रा आप बिल्कुल खरीद सकते हो, बिकॉज इस ब्रांड के साथ आपको वो आफ्टर सेल सर्विसेज वाले इशू नहीं आएंगे। काफ़ी रिनोन ब्रांड है एंड काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में ये रूल कर रहा है, तो यहाँ पे आपको वो आफ्टर सेल सर्विसेज वाले इश्यूज नहीं आएंगे। और आपको चाहिए कि एक खरीदने के बाद एक होता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, एक प्रोडक्ट तो आपने एक बार लिया बट उसकी सर्विसेज आपको पूरी लाइफ करानी है, तो वो सर्विसेज में जो सुकून चाहिए आपको, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आफ्टर सेल सर्विसेज आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी, और आप चाहते हो ऐसी कार जिसमें आफ्टर सर्विसेज अच्छी मिले, तो उस केस में भी आप हॉन्डई एक्स्ट्रा कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस, ये तो रही इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें। अब मैं बात करूंगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, कि किन लोगों को ये कार अवॉइड करनी चाहिए और किन चीज़ों से आप डिसअपॉइंट हो सकते हो इस कार के साथ। तो सबसे पहले बात करें सेफ्टी की, बिकॉज सेफ्टी भी कहीं ना कहीं आजकल इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी प्रायोरिटी बन गया है। तो बात करें सेफ्टी की, तो ये कार आपकी ऑरा एंड जो आपका आई10 आता है उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है। एंड ऑरा आई10 का आपका एनकैप रेटिंग हम सबको बताए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक कंसर्न है इस कार के साथ। 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको मिली थी आपके ऑरा एंड आई10 को। एंड इस कार की अभी तक ग्लोबल एनकैप इसका टेस्ट नहीं हुआ है, पर जो रेटिंग की अगर बात करें तो इसी के आसपास की रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कार से। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक कंसर्न है, ऑल्दो 6 एयरबैग इसमें आती हैं, बट फिर भी स्ट्रक्चर वाइज कार को ज़्यादा सेफ नहीं कहा जा सकता। तो सेफ्टी
एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है और आप चाहते हो कि अगर आपको सेफ्टी आपके लिए प्रायोरिटी है तो उस केस में आप इस कार को अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज सेफ्टी में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस कार के साथ। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो मेरा पर्सनल एक पॉइंट है जो मुझे लगा कि इस कार में मुझे पसंद नहीं आया, वो है कार का इंटीरियर। नए सेगमेंट की कार लेकर आई थी हॉन्डाई, बट जो इंटीरियर इन्होंने रखा वो इन्होंने i10 और ऑरा वाला ही रखा, सेम इंटीरियर कंटिन्यू किया इन्होंने इस कार के साथ, जबकि एक्सटीरियर लुक कार का टोटली चेंज है, काफ़ी अच्छा एक्सटीरियर लुक लगता है इस कार का। बट वहीं बात करें इंटीरियर में, तो इंटीरियर में आपने सेम इंटीरियर इस कार को दे दिया, जो कि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। अगर आपने पहले कभी i10 या ऑरा नहीं चलाई होगी तब तो आपको नया ही इंटीरियर लगेगा, बट अगर कभी आपने i10 ऑरा चलाई है या आपने किसी i10 या ऑरा कस्टमर के साथ बैठे हो तो आपको लगेगा कि यार ये इंटीरियर भी आपको वही फील देता है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है इस कार के साथ। एंड अगर आपको चाहिए एक रिफ्रेशिंग, एक अच्छा इंटीरियर, तो उस केस में भी आप इस कार को अवॉइड कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जिन जिन लोगों ने कार चलाई होगी, जिन लोगों ने इस कार को प्रैक्टिकली देखा होगा, वो ज़रूर इस बात से एग्री करेंगे कि इस कार में वो SUV वाली फील मिसिंग है, बिकॉज इस कार की जो सिटिंग पोजिशन है वो काफ़ी लो है, एंड कहीं ना कहीं ये आपको एक हैचबैक कार जैसा ही फील देती है। तो ये एक पॉइंट मेरे को लगता है कि इस कार में आप मिस करोगे, और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक माइक्रो SUV फील वाली कार चाहिए, तो उस केस में ये कार आपको डिसअपॉइंटमेंट दे सकती है, बिकॉज इस कार की जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी लोअर है, एंड आपको वो SUV वाली फील ज़रूर इसमें मिस होगी। तो अगर आपको चाहिए एक ऐसी कार जिसमें आप ऊंचा बैठते हो, अपराइट पोजीशन हो, आपकी कमांडिंग पोजीशन में आप बैठते होंगे, तो उस केस में भी आपको ये कार डिसअपॉइंट कर सकती है। और अगर आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपको एक ऐसी कार चाहिए, तो उस केस में भी आप इस कार को अवॉइड कर सकते हो। तो गाइस यही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे इस कार के बारे में जो मुझे लगे। कई लोगों ने सस्पेंशन को लेके भी कार के अपने कंसर्न रेज किए हैं, बट सस्पेंशन में सही बताऊं तो ऐसा ज़्यादा कोई मेजर कंसर्न नहीं है, सस्पेंशन कार का अच्छा है। कई लोगों ने कंप्लेन करी कि लोग पीछे जब लोग बैठते हैं तो कार दब जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि कार का सस्पेंशन इतना लो है कि आपका टायर टच हो रहा है बॉडी के साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ बोलने की बात है, कई लोग ने मेरे को पता है वीडियोस देखी हैं उसके बेसिस पे, मैंने इस कार को प्रैक्टिकली देखा हुआ है, इसका ड्राइव रिव्यू भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। तो मैं बताऊं तो ये सस्पेंशन वाला इशू ऐसा कुछ नहीं है, कार काफ़ी अच्छी है। कुछ यही जो नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए, कुछ यही पॉइंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट थी ये और नए नेगेटिव पॉइंट्स आपके रिक्वायरमेंट में आ रहे हैं, तो उस केस में आप इस कार को अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज़ एक अच्छी कार है ये, हॉन्डा की तरफ से आने वाली एक अच्छा प्रोडक्ट है ये, एंड अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैच कर रही है इस कार के साथ तो आप डेफिनेटली इस कार को कंसिडर कर सकते हो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप और कौन सी कार्स के बारे में जानना चाहते हो, हम डेफिनेटली उस कार को कवर करेंगे चैनल पे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।